समाजवादी पार्टी के जीत के नायक अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, पहले जीत का इजहार किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए, अभी पूरे परिणाम नहीं आए हैं और परिणाम आ रहे हैं। जहाँ तक जीत का सवाल है, पूरी पार्टी मेहनत से लड़ी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है और लगातार जो संघर्ष हुआ है उसी का परिणाम दिखाई दे रहा है कि आज समाजवादी पार्टी बहुमत के करीब पहुंच रही है। यही है, जीत में थोड़ी सी कसक रह गई, जैसी उम्मीद बन पड़ी थी कि 205 का आंकड़ा या 210 का आंकड़ा छूलेंगे। देखिए, अभी तो परिणाम आना बाकी है और परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुमत के करीब समाजवादी पार्टी पहुँच जाएगी। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री के लिए पूरी पार्टी ने फैसला लिया हुआ है कि नेताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी, आपको याद होगा एक बार संसद में बातचीत करते हुए आपने कहा था कि मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसका कोई काट नहीं है हमारे पास, ये साल डेढ़ साल पहले की बात है। इस बीच इस लम्हे में क्या बीता कि आप एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के कम से कम सामने आए? देखिए, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि जिस तरीके से समीकरण बहुजन समाज पार्टी ने बनाया था और लोगों ने बहुमत दिया था, उस बहुमत पर खरी नहीं उतरी सरकार और पैसे की बर्बादी हुई, भ्रष्टाचार बढ़ा, लूट बढ़ी और अधिकारियों ने रास्ते नए नए दिखाए और बताए कि आखिरकार भ्रष्टाचार और लूट कैसे हो सकती है। इसलिए जनता नाराज हुई और आज जो परिणाम दिखाई दे रहा है, हर समाजवादी पार्टी को जो मतदान मिलता वो दिखाई दिया है, वो हर जात धर्म से ऊपर उठ करके लोगों ने मतदान किया है और समाजवादी पार्टी की नीतियों पे कहीं ना कहीं जनता ने भरोसा किया है। अब कहीं ना कहीं एक पोस्ट पोल अलायंस की एक कंडीशन सी बन गई है और कांग्रेस पार्टी सबसे नजदीक की लगती है जिससे आपकी बातचीत हो सकती है, तमाम जो लानत मलानत बीचे हुई उसके बावजूद। अभी कह पाना मुश्किल है क्या होगा, लेकिन हमें भरोसा है जिस तरीके से परिणाम दिखाई दे रहे हैं, 190 के आसपास और 10 प्लस माइनस ये सब चलता रहता है, पूरी पार्टी को बहुमत मिलेगा। पीएल पुनिया ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो समर्थन मांगे तो आगे देखते हैं। अच्छा, कौन क्या कह रहा अभी कह पाना मुश्किल, अभी तो परिणाम भी पूरे नहीं आए, अभी तो रिजल्ट पूरे आने हैं। ये रुझान है, माली अनुमान है कि कौन कितनी सीटें आगे चल रहा है, जीत रहा है, परिणाम आने में भी वक्त है, घंटा दो घंटा। आखिरी सवाल कि मायावती जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को इश्यू बना के सत्ता में आई थी, समाजवादी पार्टी का शासन आ रहा है, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि इस बार वो राज देखने को नहीं मिलेगा, वैसा गुंडा राज देखने को नहीं मिलेगा जो गलती पिछली बार आपसे हुई? जनता का धन्यवाद दूंगा कि जनता ने भरोसा समाजवादी पार्टी पे किया है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पूरा भरोसे के साथ इस बात को कह सकते हैं, कानून व्यवस्था को अच्छा किया जाएगा, कोई भी किसी तरह से कानून व्यवस्था को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शुक्रिया, थैंक यू। तस्वीर कुछ साफ है, कुछ अभी अनसुलझी हुई सी पोस्ट पोल अलायंस पे। लखनऊ से कैमरा पर्सन नरेंद्र गुडावली के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now, another market beater. It's already hit number one. NDTV Profit, India's number one finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news, and your easy-to-manage portfolio. Download now, ndtvprofit.com/apps.